हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुमन सजेशन। आज मैं इस वीडियो में फिर हैंगी टकिंग लेकर आ गई हूँ। हाँ, आपको शायद लग रहा होगा कि मैं कैसे हैंगी टकिंग ये वीडियो बना सकती हूँ, क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आए हैं, बहुत ही लोग मुझे एडवाइस दिए हैं और बोले हैं कि हैंगी टकिंग बनाइए तो आप बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएगी। लेकिन मैंने किया नहीं, लेकिन एक ये बहुत ही रिक्वेस्टेड, बहुत ही डिमांडिंग वीडियो कह लीजिए, मेरी एक व्यूअर्स है जो मेरे हर वीडियो में बोलती है, व्हेन विल माय हैंगी टकिंग वीडियो कम, व्हेन माय हैंगी टकिंग वीडियो विल कम, सुमन व्हाट हैपेंड, हाउ लॉन्ग आई विल वेट, प्लीज आप दिखाइए हैंगी टकिंग का वीडियो कीजिए। मैंने एक स्टेज ये आ गया है, खराब लगने लगा उनको बोलना, इतने किसी को वेट करवाना। और तो मैं, मेरे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं वीडियो बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, मेरे मतलब अपलोड नहीं कर रही हूँ उनके, मतलब इससे कि फिर अपलोड करूंगी तो बोलेंगे मेरा वीडियो हैंगिंग टकिंग वीडियो नहीं आ रहा है और सब दूसरा दूसरा करती जा रही है। लेकिन सच मानिए, वो मेरा पहले वाला सारा शूटिंग का था। अब मैं आती हूँ आप पे, आपका नाम नहीं बताऊंगी बिकॉज यू आर टीचर, लेकिन मैं उनसे पूछी भी कि आप इतने हैंगी टकिंग के वीडियो आते हैं तो मेरे साथ मेरा ही क्यों हैंगी टकिंग देखना चाहती है, प्लीज डोंट फोर्स मी टू डू दिस वीडियो और आई डोंट वांट टू डू। लेकिन वो बोली, जब वो उन्होंने कहा कि मैं टीचर हूँ और मुझे हैंगी लेना पड़ता है, तो मुझे वो सारे पुराने रिकॉल हुए, जब व्हेन वी वेयर इन क्लास 4-5 हम लोग देखते थे कि हाँ टीचर कैसे आ रही है और हैंकी टक करके रखी है। बहुत जरूरी होता है हैंकी, फर्स्ट फ्लोर से फिफ्थ फ्लोर से थर्ड फ्लोर इतनी क्लासेस जाने होते हैं तो उनको तो हैंकी चाहिए, पहले तो लिफ्ट होता नहीं था। और सेकंड थिंग इज कि जब मैं भी छोटी थी ना, तो मैं बहुत टीचर बनती थी, मम्मी का साड़ी ले लेती थी और टीचर बनती थी और हैंगी टक करती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, ये दो चीज बहुत ज्यादा ही टैली कर रहा है और रियली ये बहुत इम्पोर्टेंट है टीचर के लिए, हैंगी टकिंग वो साड़ी में उनको करना पड़ता है। अभी तक मैं इस चीज को नहीं बिलीव करती थी, सोचती थी हैंगी किसको लगता है, साड़ी में कौन हैंगी लेता है, पर्स में लेता है। लेकिन जब उन्होंने बोला कि नो आई एम टीचर एंड मुझे हैंगी लेना पड़ता है, आई यूज हैंगी, तो मैंने सोचा कि नहीं, जब मैं वीडियो बना रही हूँ और अपने सारे फ्रेंड्स फीमेल व्यूवर्स के लिए ही साड़ी टकिंग, साड़ी रैपिंग, साड़ी ड्रापिंग दिखा रही हूँ, तो हैंगी टकिंग इज वन पार्ट ऑफ दैट, कि वो भी तो एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो चलिए, मैं आज हैंगी टकिंग एक टीचर या एक प्रोफेशनल जो भी थोड़ा सा आउटडोर काम करती हैं, उनको हैंगी लेना जरूरी होता है, उनके लिए मैं हैंगी टकिंग वीडियो कर रही हूँ। और इसीलिए मैं आज एक टीचर जैसे साड़ी पहनती है और उनको काफी हल्का, मैं ये एकदम पतला कोटा की साड़ी पहनी हूँ, एकदम कंफर्टेबल है, मटेरियल का है और ट्रांसपेरेंट भी नहीं है और कलर भी काफी सोबर मैं पहनी हूँ इसीलिए, क्योंकि टीचर एक सोबर कलर का ही ज्यादा प्रेफरेंस करती है। फंक्शन वगैरह की बात अलग है, ऐसे डेली तो ये इस तरह की साड़ियां पहनती हैं। एक दूसरी चीज मुझे पूछा भी था, फर्स्ट मैं दिखाना चाहती हूँ ये ब्लाउज, देखिए ये मैं इस पे ऐसी इस कलर का एक प्लेन ब्लाउज था, लेकिन आपने जब बोला कि ब्लाउज भी दिखाइएगा तो मैं एक टीचर के हिसाब से या जो प्रोफेशनल है, जो रोज जिनको ऑफिस वगैरह जाना होता है, जो जॉब करती है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा, ये देखिए ये कितना अच्छा, ये पूरे स्टिच है, ये स्टिच किए हुए है, ये प्रिंट नहीं है, ये हैंडवर्क है, थ्रेड से किए हुए है और सिल्क है, बहुत सॉफ्ट है, इट्स वेरी कंफर्टेबल टू वेयर। एंड ये देखिए, ये जो ये इसका जो बॉर्डर दिया है, कितना अच्छा लग रहा है इसका। तो मैं एक जो टीचर वगैरह है वो रिसेंट एंड वेरी मैंने एक्यूरेट वे से उनको साड़ी पहनना होता है, तो इसलिए मैं आज आपको ये फ्लिपकार्ट से ली हूँ, रेनी कंपनी का है, आप जाकर देख लीजिएगा, ये अभी अवेलेबल है।
और प्राइस भी काफी कम, मतलब ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, इसका प्राइस 700 के करीब है। तो यू कैन बाई दिस वन, और बहुत अच्छा, बहुत मॉडर्न स्टाइल है। ये देखिए, एक तरफ ये काम किया हुआ है और एक तरफ नहीं, और फिटिंग बहुत अच्छा फिटिंग आया है, फिटिंग एकदम बेस्ट है। मैंने जिसको अगर लेना है इस कलर का ब्लाउज और वो, और ये सबसे बड़ी बात है सिल्क, मतलब इस पे आप काफी कॉस्टली एंड एक्सपेंसिव साड़ियां भी पहन सकती है, एंड आप कोई पार्टी वगैरह में भी इसको पहन के जा सकती है। चलिए अब आते हैं हैंकी टैकिंग पे। आपने कहा था कि टॉवेल का हैंकी लेने के लिए, तो मैं आज आपको टॉवेल की हैंकी ये करके दिखा रही हूँ। टॉवेल की हैंकी वैसे बहुत ही मोटा होता है, तो इस पे आप कुछ ज्यादा स्टाइल कर नहीं सकती हैं, और कुछ भी अगर ज्यादा जितना फोल्ड करेंगी मोटा हो जाएगा, और कहीं भी टक करेंगी फूला सा दिखेगा कोई भी साड़ी आप पहने। और मुझे ये नहीं समझ में आता कि एक टीचर कभी भी बैठकर, वो कभी बैठ बैठ कर स्टाइल बनाएंगी, चिड़िया बनाएंगी, कबूतर बनाएंगी, उनके पास टाइम भी नहीं है। और अगर वो ऐसा करके टकिंग भी करती है तो मुझे लगता है स्टूडेंट हंसेंगे भी। तो टीचर हमेशा ऐसा हैंगी टक करे कि देखकर समझ में आए कि रियली दे नीड इट, ये काम के लिए रखे हैं, नॉट फॉर शोइंग, शो के लिए नहीं रखे हैं। तो एक दो स्टाइल ही मैं आज आपको इस हैंगी से करके दिखाऊंगी। चीज ये है कि आप अगर एक दिन में एक हैंगी यूज करते हैं, और ये आपको ध्यान होना चाहिए कि किस साइड का आपने ज्यादा यूज कर लिया और किस साइड का बाद में यूज करेंगी, तो उस हिसाब से अगर आप फोल्ड करती हैं तो आपके लिए काफी हाइजीन के सेंस में भी काफी अच्छा रहेगा। तो मेरे लिए तो बेस्ट है, और मुझे याद भी आता है जब छोटी थी मेरी टीचर जब क्लास में आती थी तो वो ज्यादातर हैंगी टकिंग ऐसे ही करती थी, उनका हैंगी ऐसे चौड़ा रहता था। और ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर को हैंगी हाइड करना होता है, आप अगर हैंगी हाइड करती हैं तो आपको ले जाना पड़ेगा इस साइड में। ऐसे करके आप अगर किसी के सामने हैंगी टकिंग करती हैं, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप ज्यादातर हैंगी टकिंग इस जगह पे ही कीजिए। यहां अगर हैंगी टकिंग करती हैं ऐसे, तो इट्स नेचुरल, इट्स नॉट लुकिंग ऑड, ये कोई बात नहीं है। पहली बात तो टीचर पल्लू लेती है, काफी वाइड में लेती है, तो फिर वो अगर कहीं लेती भी है तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। इट्स लुकिंग नेचुरल, इट्स लुकिंग, इट्स नॉट लुकिंग और ऐसे आप ऐसे लीजिए, और एक तरफ यूज किया, फिर आपको दूसरे तरफ करना हुआ दूसरे तरफ, ज्यादा से ज्यादा आप कर सकती हैं तो आप ऐसे कर सकती हैं, ये कर लीजिए, और फिर ये हुआ, हाँ ऐसे लिया, ये यहाँ पर ऐसे यहाँ कर लिया, ऐसे करके बस। ये वाला चीज भी कर सकती है, ऐसे हैंकी टकिंग कर सकती है, फिर आप इसको मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होगा, आप अगर ऐसे किया, ऐसे लिया, ऐसे मुंह पोछा, और फिर इस तरह एक कोना पकड़ा, और इस हैंड से हमेशा इस हैंड को यूज कीजिए, और ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे हैंकी टकिंग कीजिए, तो एकदम आपका मतलब डका रहेगा और हैंगी टकिंग भी हो गया राइट साइड में। इससे आपको कुछ इधर में कुछ आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है, हो गया पतला सा हुआ है, और फिर निकाला भी तो इस तरह से ऐसे निकाल लिया। नहीं समझ में आ रहा है कि इतना किसी के पास टाइम है, या आप बैठ बैठ कर हैंगी का स्टाइल करेंगी और फिर उसके बाद से आप हैंगी यूज करेंगी, तो मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं बनता है ज्यादा स्टाइल करने का। एक स्टाइल कर सकती है ज्यादा से ज्यादा, ये है, फिर इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे ये वाला स्टाइल हो गया ऐसे, और फिर इसको आप लेफ्ट हैंड से ले जाइए और राइट हैंड में ऐसे हैंगी टक कर दीजिए। यहाँ पर राइट में कर भी दी, साड़ी भी नहीं उठा, और आपका इधर में ये हो भी गया, इज द बेस्ट थिंग। ऐसे आपने कर दिया, फिर ज्यादा हुआ आपने ऐसे किया, ऐसे
किया तो ऐसे कर लिया अगर इस तरह तो ऐसे हुआ, ये इस तरह का अगर हुआ ऐसे कर लिए आपने ऐसे ऐसे हो गया। ज्यादा हुआ ऐसे करके फिर इस तरह कर लिए ये वाला, और भी एक फोल्ड अगर कर लिया इस तरह का ऐसे, तो ये लिया ऐसे ऐसे। इट्स नॉट लुकिंग ऑड, मैंने ऑड भी नहीं लगेगा और लगेगा कि आप इसे पर्पजली ली है, ऐसे यूं ही नहीं ली है ना, इस तरह ऐसे, और निकाला भी तो इस तरह ऐसे निकाली, इस तरह लिया ऐसे किया ऐसे किया, इस तरह ढुकाया ऐसे कर लिया, हो गया निकालना हुआ ऐसे निकाला ऐसे। इस तरह का आप लेती हैं तो बहुत मोटा हो जाएगा, वो साड़ी में फुल जाएगा, सो डोंट टेक हैंकी लाइक दिस इन साड़ी। आई होप मेरा ये हैंकी टकिंग आपको थोड़ा बहुत कुछ हेल्प करेगा। चलिए फिर भी मैं अपने तरह से पूरी कोशिश की हूँ, हैंकी टकिंग शायद बोध ना हो बट मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि एक टीचर का अपने दिमाग में कैसा इमेज होता है, और मैं कुछ हद तक हर तरह से उनके ड्रेसअप और जो भी चीज है हैंकी के रिलेटेड मैं बताने में सक्सेसफुल हो पाई हूँ। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सो टिल देन बाय बाय।